मैं छोड़ा स्कूल और माय प्री नर्सरी चिल्ड्रन, आप लोग कैसे हैं? तो अभी हम लोग जो हैं फिर से एक बहुत खूबसूरत, बहुत ही फनी और प्लेफुल एक्टिविटी करने वाले हैं, जिस एक्टिविटी के अंदर एक राइम भी होगी। माय गॉड, जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो कितना मज़ा आता है। एक्टिविटी की एक्टिविटी हो जाती है और राइम की राइम हो जाती है। सो दीज इंस्ट्रक्शंस आर फॉर माय रेस्पेक्टेबल पेरेंट्स। अगेन रिवीजन नंबर 3, हम लोग नंबर 3 का रिवीजन कर रहे हैं। 1, नंबर 2, नंबर 3। सो वी आर डूइंग रिवीजन टुडे नंबर 3। मटेरियल रिक्वायर्ड, इसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। इसमें आपको कॉटन चाहिए और स्क्रैप बुक चाहिए और वाटर कलर चाहिए एंड ग्लू या फेविकॉल, जो भी आपके यहाँ पर आसानी से अवेलेबल हो। सो पेरेंट्स, फिर से मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ। पेरेंट विल राइट नंबर 3 इन स्क्रैप बुक, हेल्प द चाइल्ड हाउ टू पेस्ट द कॉटन इन इट, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी। सो प्लीज़ गाइड योर किड्स दैट आर आर किड्स ऑल्सो कि हाउ टू पेस्ट द कॉटन इन दिस। उससे पहले वो नंबर 3 के अंदर अपना जो है कलर, जो भी उनको पसंद होगा, वो पेंट उसमें ब्रश और उससे वाटर कलर से वो उसको नंबर 3 के अंदर कलर कर लेंगे। सो लेट्स डू दिस राइम, लेट्स डू दिस एक्टिविटी ऑल्सो। यू कैन सी दिस इज नंबर 3 ऑलरेडी, ये स्क्रैप बुक के अंदर लिखा हुआ है। इसमें बेबीज पहले इस 3 के अंदर जो है वाटर कलर से कोई भी अपना पसंद का, कोई भी अपनी चॉइस का कलर करेंगे। एंड देन ये जो कॉटन है, ये देखिए, ये कॉटन जो है ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक फेविकॉल से डॉट किया हुआ है। इस तरीके से उनको पेस्ट करना है। प्लीज़ पेरेंट्स, आप उनको हेल्प कीजिएगा अपने बेबीज़ को, और जो हमारे बेबीज़ भी हैं। और इस तरीके से आपको, जैसे आप देख रहे हैं, ऐसे उनको कॉटन को पेस्ट करना है बेबीज़ को, और आपने उनको डायरेक्शन देनी है हाउ टू पेस्ट इन नंबर 3। यस, दिस इज़ नंबर 3। तो ऑलरेडी ये पेरेंट्स लिख लेंगे स्क्रैप बुक में, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे 3 में जो है वो बेबीज़ अपने पसंद का, अपनी चॉइस का कलर करेंगे। एंड देन कॉटन को आपको पेस्ट करना है। देन प्लीज़ रीसाइट दिस राइम, दिस राइम इज़ रियली रियली इंटरेस्टिंग। 3, 3, 3 नंबर 3, 3, 3, 3 नंबर 3। Clap, clap, clap for number 3. Clap, clap, clap for number 3. All of you jump now. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump for number 3. Jump, jump, jump. Yes, I can see you. You are all are jumping. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump for number 3. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye 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 for number 3. Yes. So kitni interesting humne rhyme kari aur activity bhi kari. So let's do it. Let's enjoy all these two things. First is an activity and second rhyme. यू कैन सी दिस इज़ नंबर 3 ऑलरेडी, ये स्क्रैप बुक के अंदर लिखा हुआ है। इसमें बेबीज़ पहले इस 3 के अंदर जो है वाटर कलर से कोई भी अपना पसंद का, कोई भी अपनी चॉइस का कलर करेंगे। एंड देन ये जो कॉटन है, ये देखिए, ये कॉटन जो है ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक फेविकॉल से डॉट किया हुआ है। इस तरीके से उनको पेस्ट करना है। प्लीज़ पेरेंट्स, आप उनको हेल्प कीजिएगा अपने बेबीज़ को, और जो हमारे बेबीज़ भी हैं। और इस तरीके से आपको, जैसे आप देख रहे हैं, ऐसे उनको कॉटन को पेस्ट करना है बेबीज़ को, और आपने उनको डायरेक्शन देनी है हाउ टू पेस्ट इन नंबर 3। यस, दिस इज़ नंबर 3। तो ऑलरेडी ये पेरेंट्स लिख लेंगे स्क्रैप बुक में, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे 3 में जो है वो बेबीज़ अपने पसंद का, अपनी चॉइस का कलर करेंगे। एंड देन कॉटन को आपको पेस्ट करना है। देन प्लीज़ रीसाइट दिस राइम, दिस राइम इज़ रियली रियली इंटरेस्टिंग। 3, 3, 3 नंबर 3, 3, 3, 3 नंबर 3। Clap, clap, clap for number 3. Clap, clap, clap for number 3. All of you jump now. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump for number 3. Jump, jump, jump. Yes, I can see you. You are all are jumping. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump.
जम 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 फॉर नंबर थ्री, बाय 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 फॉर नंबर थ्री। यस, सो कितनी इंटरेस्टिंग हमने राइम करी और एक्टिविटी भी करी। सो लेट्स डू इट, लेट्स एन्जॉय ऑल दीज टू थिंग्स। फर्स्ट इज एन एक्टिविटी एंड सेकेंड राइम।